अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं जनाब? क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है आजकल? मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा हो गया है। ये जो सीन तब क्या है, जब हम लाहौर से जा रहे थे शफीक साहब के पास, जहाँ हम पहुँचे तो उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया और सीधा हमें ले के आ गए बेकरी पे। उन्होंने कहा कि जो जो दिल करे वो पियो और खाओ, आपकी मर्ज़ी है। हमने एक एक जूस का डब्बा निकाला और साथ में ये चिकन रोल थोड़े से, क्या है ये चिकन रोल है तो सीधा से देखी है क्या, मैंने तो नहीं पता है, ये खाए। उसके बाद वो ले के आ गए जी हमें इधर होटल पे। अच्छा कमाल का, हमें लंच करवाया क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी। घूम घूम घुमट्टा कर कर करके बहुत भूख लगी थी। बहुत कमाल का हमें लंच करवाया, बहुत ही नाइस इंसान है। मिल के ना ऐसे फील ही नहीं हुआ कि बंदा पहली बार मिला है उनको। ये जी हमारा रहता सलाद आ चुका है, ये ऊपर से ये कढ़ाई भी लेके आ गए। लंगर उत्थे वादू सीगा क्योंकि पता नहीं की हो गया, पहले उन्होंने बेकरी से बहुत कुछ हम लोगों ने खा लिया था। हाँ जी रेता से खाना खा लिया हमने, अब निकलने लगे हैं घर को। घर को इंशाल्लाह 10 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। क्या क्या सीन है हमें मिल गए थे। ये जी थैंक यू सो मच सर शफीक साहब, स्पेशल थैंक्स। ये देखिए ये फूल चौक है जी जनाब, यहाँ से लाहौर का फूल चौक, ये जेरे तमीर है जनाब चौक है अपने तमीर जी। और ये होटल था हमारा डेरा, सिर्फ खाना खाने आ पाए थे, मतलब हमने कहा चलें जी चलते हैं। यहाँ जी हम उनके घर पहुँचे हैं। घर पहुँच के ये देखे जी बहुत ही कमाल की और टेस्टी चाय उन्होंने पेश की। हाफिज़ साहब की चाय में मक्खी गिर गए थे, जो शफीक साहब ने अपनी चाय उनको दे दी। हाँ जी अब हम निकलने लगे घर को, घर में चलने लगे। शफीक साहब बड़ा अच्छा लगा, शफीक साहब मिल गए ते खीर शफीक साहब जी बहुत अच्छे इंसान है। पहले बैंक ब्रांच मैनेजर है, आर सी बी ब्रांच पास पतन, हमने ट्रांसफर हो गया रायविंड ब्रांच, इतने आप उन्होंने घर है। माशाल्लाह सारी बहुत अच्छी खिदमत की, खातर की, अपने चाह भी पेश की। माशाल्लाह।